YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है, उसके बाद अखिलेश यादव और तमाम पार्टियां जो है मंगेश यादव के इनकाउंटर की जांच के लिए लगातार बातें कर रही है, उसके लेकर अब जो है एसटीएफ घेरे में आ गया है। जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही बदमाशों पर कार्रवाई तो करती है, लेकिन कुछ ऐसी कार्रवाई कर जाती है जो एक रिवेंज के तौर पर देखा जाता है, बदले के तौर पर देखा जाता है। और इस मामले को लेकर जो एसटीएफ और जो योगी सरकार योगी हैं खास करके, वो बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल बात करें तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक ज्वेलरी शॉप में डकैती होती है और फिर 5 सितंबर को इस लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव का इनकाउंटर। वहीं मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक दलों और मंगेश यादव के परिवार दोनों ने इस इनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। वहीं इस काउंटर में कुछ तथ्य ऐसे आए हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। इनकाउंटर के बाद सामने आई यूपी एसटीएफ की टीम की एक तस्वीर ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। मेन टीम में शामिल थे 11 लोग। यूपीएसटीएफ की 11 सदस्य टीम ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिसमें डिप्टी एसपी डीके शाही मुख्य भूमिका में थे। मंगेश यादव एनकाउंटर पर सबसे पहले सवाल यूपीएसटीएफ की 11 सदस्य टीम पर है, जिसमें एक डिप्टी एसपी डीके शाही, दो इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह और महावीर सिंह, दो इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी और प्रदीप सिंह, 3 हेड कांस्टेबल सुशील सिंह, रामनिवास शुक्ला और नीरज पांडे और 3 कांस्टेबल अमित त्रिपाठी, ब्रजेश बहादुर सिंह, अमर श्रीवास्तव मुख्य तौर पर शामिल थे। लेकिन इन 11 टीमों में आप देख सकते हैं कि सारे लोग अपर कास्ट के हैं, मतलब हाई क्लास के हैं, समझ रहे हैं। और जो यादव को लेकर इनकाउंटर की बात की जा रही है, उससे ये कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है कि क्या वजह हो सकती है। एनकाउंटर में डिप्टी एसपी डीके शाही की तरफ से दर्ज किए गए एफआईआर के अनुसार टीम ने पूरी तैयारी के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर हथियार लेकर मंगेश यादव को मार गिराया है। लेकिन घटना स्थल की तस्वीरें जो है वो कहानी अलग बयां कर रही है। टीम के कुछ सदस्य चप्पल पहने नजर आ रहे हैं। अब सोचिए कि भाई, जो अगर किसी को गुंडे बदमाश को मारने के लिए जाएगी तो वो चप्पल पहनेगा, आप बताइए। और किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं पहन रखा था, बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना है, बताइए। किसी आप अपराधी को मारने के लिए जा रहे हैं और आपने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहुंचा है। जबकि डिप्टी एसपी डीके शाही द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर ने मंगेश यादव को बेहद खतरनाक अपराधी बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टीम ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की है, या फिर उन्हें पहले से यकीन था कि मंगेश यादव से उनसे मुकाबला नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं जो संदिग्ध में है, जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बाकी जिस तरीके से यूपी प्रशासन की और खासकर के योगी सरकार की इस मामले पर थुथु और किरकिरी हो रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, बताइए। धन्यवाद।